एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाइट्रेशन तक हम लोगों ने कर लिया था, एंड नाइट्रेशन के बाद में हम बेंजीन पे तरह तरह के सब्सटेंस लगाने वाले हैं। तो हम लोगों ने बेंजीन के ऊपर हम लोगों ने अल्काइल पार्ट लगाना सीखा बेंजीन पे, आर। ठीक है, हम लोगों ने बेंजीन के ऊपर असाइल पार्ट लगाना सीखा बेंजीन पे, सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, हम लोग बेंजीन के ऊपर NO2 लगाना सीख चुके हैं, और हम लोग बेंजीन के ऊपर दो चीज़ें और लगाने वाले हैं, और मल्टीपल चीज़ें लगाने वाले हैं बेंजीन पे। बेंजीन पे अभी हम लोग लगाने वाले हैं हेलोजन एक्स, एंड बेंजीन पे वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट SO3H, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो राइट नाउ स्टार्टिंग विद दिस थिंग, तो ऑब्वियसली अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस इज द फोर्थ थिंग दैट वी आर हैंडलिंग, एंड फॉर हेलोजिनेशन ऑन बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑन बेंजीन सभी में एक बात तो तय है कि वी आर गोइंग टू रिप्लेस एच प्लस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय, तो जो भी तुम सामान लाने वाले हो दैट इज गोइंग टू बी अ कटायन। ठीक है, दैट मस्ट बी एक्स प्लस इन सम सॉर्ट। नाउ जब मैं एक्स प्लस लेके आना चाहता हूं, तो मैं इस एक्स प्लस का एंट्री पहले भी पढ़ चुका हूं। ठीक है, एक्स प्लस किसी और पे भी अटैक करता था, सेम वे में अल्कीन पे। दैट मींस हमारा प्रॉब्लम जो है बस किसी तरह एक्स प्लस बनाना है, किसी भी तरह से एक्स प्लस बनाना है। तो उसके लिए रिएजेंट्स में सबसे पहले भाई बेंजीन के साथ में हम लोग क्या लेके आते हैं, एक सिंपल एक्स एक्स, और इस एक्स एक्स में से एक एक्स प्लस बाहर निकालने के लिए मुझे कोई ऐसा एजेंट यूज करना पड़ेगा जो किसी तरह इसमें से पहले एक्स माइनस कंज्यूम कर ले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें से बॉन्ड को हेट्रोलाइटिकली क्लीव करवाने के लिए आई हैव टू इंट्रोड्यूस समथिंग, एक एक्स प्लस तो एक एक्स माइनस बने, और इस एक्स माइनस को कोई फोर्सफुली ले जाए, तो वो फोर्सफुली ले जाने वाला जो है वो कोई ना कोई क्या होगा बताओ, एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड लुइस एसिड रहेगा। तो वो AlCl3 जो लुइस एसिड है, दैट इज द ट्रिगरिंग पॉइंट जो सबसे पहले रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, किक स्टार्ट। तो इस AlCl3 और X2 के रिएक्शन के बाद में व्हाट विल गेट इज बेंजीन पे क्या लग जाएगा भाई, बेंजीन पे लग जाएगा एक एक्स प्लस, तो यहाँ पे मैं एक्स लगा देता हूँ, एंड ऑब्वियसली इसमें से क्या इजेक्ट हो जाएगा, एक एच प्लस, एंड ये एच प्लस आने पे AlCl4- को एज यूजल जो पहले सुना है हमने, टेम्परेली जो खुश हो गया था उसे वापस एक Cl- इजेक्ट करना पड़ेगा, एंड वील गेट AlCl3 बैक अगेन। ऑब्वियसली दो चीजें इसमें किसी भी हालत में हम लोग जो नहीं कर सकते हैं वो ये है कि एफ प्लस नहीं बना सकते हैं, तो X2 इज नॉट इक्वल टू F2, एंड वन मोर दैट इज I2 ड्यू टू सम अदर रीजंस। दोनों के नहीं होने के रीजंस क्या है वो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले F2 जहां तक बात है, तो F2 का नहीं यूज करना बहुत ही ऑब्वियस रीजन से है, दैट F2 बीइंग टू रिएक्टिव, F2 बीइंग टू रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्ट्स एक्सप्लोजिवली विद एवरीथिंग, रिएक्ट्स एक्सप्लोजिवली विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तो उसका रिएक्शन किसी भी तरह से कंट्रोल करना, ठीक है, लीव असाइड लैब में स्टडी करना इज एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो फ्लोरिनेशन इसका मतलब अगर हमें करना है, ठीक है, तो एक हम बात अपने मन में अपने जहन में रखें, सो फॉर फ्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन, फ्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन सम अदर रूट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वो ये तरीका तो नहीं है, ठीक है, अदर रूट इज रिक्वायर्ड। एंड जहां तक ब्रोमिनेशन आयोडिनेशन की बात है, तो आयोडिनेशन में एक सीधी सी बात है, फॉर आयोडिनेशन बाय दिस रूट What is formed as a byproduct by this root dash is formed as byproduct। तो
these dashes will be filled in this lecture only. So the best you can do is pause this video at regular intervals and think about your answers. Jo best guess ho sakta hai. Dash is formed as a side product, as a product, theek hai, which actually spoils the reaction. So that thing formed is actually HX. मैंने यहाँ पे HCl लिखा है. I am going to remove this thing, जो थोड़ा सा erroneous है. Actually, this should be HX. ठीक है. तो HX formed is actually HI, and HI is formed as a product, which we know from previous chapters is a very good क्या, which is a very good reducing agent. जो हम पहले देख चुके हैं, ये सिंपल एक RX के अंदर भी, ये एक सिंपल RH के अंदर भी जब सब्स्टिट्यूशन करते थे हम लोग I2 सब्स्टिट्यूशन करते थे H न्यू के साथ में, तो सेम प्रॉब्लम होता था कि RI के साथ में HI बनता था, एंड HI यूज टू रिड्यूस बैक द RI फॉर्म. सिमिलरली अगर मैंने यहां पे करने की कोशिश की तो वो हाइड्रोजन प्लस I2 के सब्स्टिट्यूशन में ठीक वैसी रिएक्शन होगी AlCl3 के साथ में. क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन I, एंड दिस HI रिड्यूसेस बैक आयोडोबेंजीन टू प्योर बेंजीन अगेन. तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड इट्स ऑफ नो यूज. हाँ, हमें फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा भाई, हमें यहां पे HI फॉर्म जो हुआ है या तो उसको कंज्यूम कर ले, या फिर यहां पे हम लोग फिर कोई नया पाथवे निकाले आयोडिनेशन करने का. अच्छा, तो थर्ड चीज, अब जब F और B, अगर I हम लोग हटा दें तो व्हाट हैपेंस फॉर X इज इक्वल टू Br एंड Cl, तो उसकी रिएक्शन के लिए नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं भाई. तो दैट इज BrCl में क्या रिएक्शन होता है, ठीक है. That is, अगर हमारे पास X, Br और Cl है, तो अगर हम बेंजीन की रिएक्शन डायरेक्टली Br2 से कर देंगे, तो हम पहले भी देख चुके हैं ये कि नॉर्मल अल्कीन अगर होता, ठीक है, नॉर्मल अल्कीन अगर होता और Br2 का रिएक्शन होता तो वो करता, इसका नो रिएक्शन रहेगा बिकॉज एक्चुअली इसमें एडिशन वो शो करता है और इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है. Addition is not possible. ठीक है. And alkene is so desperate for addition कि ये अपना electrophile खुद ही क्रिएट कर लेता है Br2 को तोड़ के, जबकि बेंजीन ये काम नहीं करता है. उसे कोई रेडीमेड अच्छा डेस्परेट इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो उस पर अटैक कर सके, उसका आरिनियम खोल सके. ठीक है. आरिनियम इज नॉट इवन फॉर्म्ड बिकॉज द इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी रिएक्शन को थोड़ा पंपअप करते हैं, एंड बेंजीन के साथ हम लोग लेके आते हैं Br2, एंड Br2 के साथ में लेके आते हैं लुविस एसिड. नाउ लुविस एसिड, जितने वैरायटी के लुविस एसिड हैं वो ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं. तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली यूज FeBr3, तुम कर सकते हो, ठीक है. और हम लोग बिना रिएक्टेड फॉर्म में भी Fe को सिंपली रख दें, ठीक है, बट मेक श्योर कि Br2 एक्सेस में रहे, ताकि इसमें पहले क्या हो बताओ, फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो इन दोनों के बीच में, जिसमें क्या फॉर्म होगा, जिसमें Fe ऑक्सीडाइज करेगा फॉर्मिंग FeBr3, एंड ये FeBr3 जो है, जब ये जो FeBr3 बन गया है, ठीक है, दिस FeBr3 नाउ रिएक्ट्स विद क्या बताओ, Br2, फॉर्मिंग क्या, Br2 को अपने Br2 के लोन पेयर्स अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में लेने वाला, वो AlCl3 वाला काम, फॉर्मिंग क्या, फॉर्मिंग FeBr4- टाइप का कॉम्प्लेक्स, एंड प्लस क्या बना देगा, Br+. तो बेसिकली चाहे ये दिया हो या फिर ये दिया हो, दोनों से रिएक्शन होता है, एंड दिस Br+ जो स्टेप वन हुआ है हमारा ये, ठीक है, दिस इज लेट्स से फर्स्ट स्टेप. सो द सेकंड स्टेप इज, अब ये बेंजीन जो है ये
बी आर प्लस या सी एल प्लस से अटैक करेगा, पे अटैक करेगा, फॉर्मिंग द आरिनियम आयन, जिसमें एच और बी आर और प्लस बगल वाले पे, आई गेस तुम्हें याद होगा, ये एंड आर आरिनियम आयन बीइंग पॉजिटिव चार्ज एंड एच एंड बी आर. तो ऑब्वियसली, अच्छा सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप इज ऑब्वियसली ये जो सामान है, ये सामान बहुत ही रैपिडली क्या करेगा, अपना H और Br में से क्या लूज कर देगा भाई, इमीडिएटली H प्लस टू गेन बैक एरोमेटिसिटी फॉर्मिंग Br. एंड क्या फॉर्म कर देगा भाई बाहर, H प्लस जो आया है, H प्लस जो आया है इसमें से वापस उसे क्या मिल जाएगा, दिस FeBr4 माइनस loses back its Br minus forming HBr plus क्या FeBr3. तो इन तीनों स्टेप्स में से ये सबका सब, ये तीनों स्टेप्स जो हमने लिखे हैं यहाँ पे, they are exactly similar to the previous steps जो previous हमने versions पढ़े थे, RX के साथ किया था, इन सब के साथ में किया था हम लोगों ने, इससे पहले halogens का जो alkenes में addition किया था हमने जहाँ जा किया, बिल्कुल वैसा ही है. ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, दिस इज द हार्डेस्ट स्टेप. ये जो है ये करने में सबसे ज्यादा टाइम जो लग रहा है हमें, दिस बीइंग द स्लोएस्ट स्टेप इज द आरडीएस ऑफ आवर रिएक्शन. ठीक है, एंड दिस बीइंग द आरडीएस ऑफ आवर रिएक्शन, एंड इसलिए जो रेट का एक्सप्रेशन है, जो मुझे पता है कि प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ आरडीएस होता है, एंड क्योंकि आरडीएस एलिमेंट्री स्टेप है, तो दिस विल बी क्या बताओ, ये रिएक्टेंट बेंजीन रेज टू पावर वन, इसका स्टोशियोमेट्री इनटू हमारे पास में बी आर प्लस का कॉन्सेंट्रेशन. एंड जो बी आर प्लस है एक्चुअली वो किससे बना है गाइज, वो खुद बना है दिस प्लस दिस की रिएक्शन से. तो बेसिकली वो जो बी आर प्लस यहाँ पे लिखना चाहिए, उसकी जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग बेंजीन इनटू एक्स टू और लुविस एसिड का कॉन्सेंट्रेशन. तो जब ये हमारे पास में आरडीएस का रेट है, ठीक है, इट्स फाइन. ठीक है, तो एक चीज हम लोग कह सकते बोलेंगे यहाँ पे क्या, कि क्या क्या इसके फीचर्स में हम नोट कर सकते हैं, कि क्या सी एच और सी डी बॉन्ड की ब्रेकिंग में, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, अफेक्ट स्पीड, यस और नो, इन शॉर्ट वर्ड्स काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो होता है कि नहीं होता है. तो आंसर इज नो. ठीक है, एज इट इज नॉट इन्वॉल्व इन आरडीएस, नॉट इन्वॉल्व इन आरडीएस. ठीक है, फ्लोरिनेशन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव है, फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव है, और आयोडिनेशन, और आयोडिनेशन वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स टू रिमूव HI लाइक HNO3, HIO4, H2O2, etc. तो दिस मच शुड बी क्लियर. हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं, प्लीज कॉपी ईच एंड एवरीथिंग. एक चीज इसके अंदर और जो हमें ध्यान रखनी है, कि आयोडिनेशन में ये सो हमने सारा पढ़ा है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है. तो हमने जो ऊपर यहाँ पे लिखा है कि सी एच और सी डी का बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज ये स्लोएस्ट स्टेप है, ये सब चीजें हम लोगों ने किसके लिए पढ़ी है, जब एक्स सी एल और बी आर है तो के आई ई जो हमने लिखा है नो, ठीक है, दैट इज एक्चुअली फॉर वॉट, ठीक है, दैट इज एक्चुअली व्हेन एक्स इज इक्वल टू सी एल एंड बी आर.
ठीक है, तो एडिशन में क्या थोड़ा सा चेंज है वो कुछ ऐसा है, देखो कि एडिशन के केस में सबसे पहले तो हम लोग जब बेंजीन के साथ में अगर हम लोग आई टू की रिएक्शन करवा रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग दिस आई आई, तो हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होना जरूरी है ही। अच्छा, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के होने के बावजूद जो सबसे पहले आई प्लस जनरेट होता है, दैट आई प्लस रिएक्ट्स विद बेंजीन टू फॉर्म बेंजीन के ऊपर एच और आई और एक पॉजिटिव चार्ज, और ये सिचुएशन आ जाएगी। तो लेट्स से इसका जो रेट कांस्टेंट है वो के वन है। नाउ द प्रॉब्लम कम्स एट दिस पॉइंट जब सी आई बॉन्ड इज नॉट स्ट्रांग इनफ, ये बहुत अच्छा बॉन्ड तो है नहीं, व्हेन दिस इज नॉट स्ट्रांग इनफ, तो द नॉर्मल टेंडेंसी इज कि हम लोग इसके बाद में जो स्टेप टू करवाते हैं उसके अंदर क्या होता है भाई, उसके बाद में दिस स्पीशीज फॉर्म्ड डेस्परेटली लूजेज वन ऑफ द कटायंस ऑन इट्स हेड जो तैर रहे हैं, एंड इमीडिएटली क्या होता है, माइनस एच प्लस का स्टेप आता है, ठीक है, जिसका स्पीड हम मान लेते हैं कि कुछ नया के होगा, और जिससे हम लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इसमें से एच प्लस निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आई बच जाए और वापस से यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म होकर बेंजीन बन पाए। बट द प्रॉब्लम इज कि एक्चुअली ये एच को निकालने के बजाय द आई बॉन्ड इज सो वीक कि ये एक्चुअली इसको निकालना ज्यादा प्रेफर करता है वापस से आई को, मेकिंग द फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल हैविंग अ रेट कॉन्स्टेंट लेट से K2। तो वी हैव अ सिचुएशन इन विच ये एक एक K2 की स्पीड से वापस H I+ को लूज करना चाहता है और एक K3 की स्पीड से H+ को लूज करना चाहता है। दोनों ही केसेस में, ठीक है, दोनों ही केसेस में बेंजीन तो हैप्पी हो जा रहा है अपना एरोमेटिसिटी गेन करके, बट द प्रॉब्लम इज कि वो ज्यादा स्पीडली क्या करेगा। तो हेलोजिनेशन में आयोडीन के केस में ऐसा निकल के आता है दैट इन दिस फर्स्ट रिवर्सिबल स्टेप जो कि हम लोग यहां पे देख रहे हैं, दिस के टू इज एक्चुअली फास्टर देन K3, एंड द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ आई प्लस इज मोर देन एच प्लस। दिस मेक्स फॉर्मेशन ऑफ वॉट स्लो एंड डिफिकल्ट, किसका फॉर्मेशन स्लो और डिफिकल्ट हो जाएगा, दिस थिंग आयोडोबेंजीन, बिकॉज जब एच निकलेगा नहीं तो ये बनेगा कैसे। एंड यहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है दैट सो ठीक है दिस क्या मतलब, ये वाला स्टेप, दिस स्टार्ट्स डिसाइडिंग दैट इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है, उसके हिसाब से इसका स्पीड और अफेक्ट हो जाएगा। तो इस K2 K3 में एक तो K3 ऑलरेडी स्लोअर है, सो इफ सी एच बॉन्ड्स आर रिप्लेस्ड बाय सी डी बॉन्ड्स, ब्रेकिंग देम बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट, और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा, इवन मोर डिफिकल्ट। एंड सो आयोडिनेशन शोज, हेंस आयोडिनेशन शोज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ड्यू टू वेरी हाई रिवर्सिबिलिटी ऑफ इट्स फर्स्ट स्टेप।
वेरी हाई रिवर्सिबिलिटी ऑफ इट्स फर्स्ट स्टेप, उसके पहले स्टेप में जो ज्यादा रिवर्सिबिलिटी का इशू है उसकी वजह से वो ये काम कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन हाँ आयोडिनेशन में ऐसा होता है दैट C6H6 का रेट फास्टर होगा। वैसे तो मैं बताऊँ, सुनो, व्हेन आई एम सेइंग फास्टर देन अगेन आई एम वार्निंग यू दैट C6D6 एंड उससे ज्यादा स्लोअर रेट हो जाएगा C6T6, दैट दिस ऑन दिस रेट ऑफ आयोडिनेशन, व्हेन आई एम सेइंग दैट रेट ऑफ आयोडिनेशन इज फास्टर, दैट डज नॉट मीन कि ये स्टेप फास्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। रेट ऑफ आयोडिनेशन is better at least when it is compared with, at least when compared with other isotopes, that is C6D6 and C6T6. But it should not be confused, theek hai, that it is being compared with other halogens, but it should be remembered, it should be remembered that overall, that overall I2 is the slowest to react among all halogens. ये बात हमें पता होनी चाहिए। और इसलिए ऑफन हम ऐसा भी बोलते हैं, देखो ठीक है, ऑफन हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आयोडिनेशन के लिए, फॉर आयोडिनेशन ICL इज अ बेटर रिएजेंट देन I2 itself. रीजन तुम लोग सोचोगे, जो हम इस पे एक डिस्कशन लेंगे उसमें तुम्हें भरना है, रीजन हम क्लास में करेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, सब कुछ कॉपी कर लो। ओके, सो सम एग्जाम्पल्स। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग सम एग्जाम्पल्स, दो चीजें जो हम हर केस में पढ़ते हैं क्या है भाई? फिनॉल्स एंड एनिलीन्स। तो भाई फिनॉल और एनिलीन के अंदर हमारे पास में सबसे पहले क्या है? वी हैव वन कॉमन फीचर फॉर बोथ ऑफ देम। क्या? दे बोथ आर, ठीक है, so activated, phenol and aniline, they both are so activated, इनके points जो हैं इतना ज़्यादा जो है negative charge इकट्ठा किए बैठे हैं कि जैसे ही, सुनो, इनफैक्ट इसका तो और भी ज़्यादा है, तो जैसे ही इसके सामने से they are so activated, ठीक है, दैट when X2 इज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है, देन XX इज एक्चुअली बैफल्ड, ठीक है, बाय द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है, बैफल्ड विद द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट इन अ सिमिलर वे, एज इफ उसे क्या दिखाई दे गया है, इतनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी तो उसे अल्कीन्स में ही दिखाई देती थी। तो जैसे अल्कीन्स के रिएक्शन के समय हम लोग X2 को, ठीक है, विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन का स्टार्ट हो जाता था, बिकॉज ऑफ वेरी रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीधा अटैक कर देता था। दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस, ठीक है, आर सो एक्टिवेटेड दैट व्हेन X2 इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, दे डायरेक्टली कंबाइन
दे डायरेक्टली कंबाइन विद H2O, ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन वाटर, एंड क्लोरीन वाटर इवन विदाउट यूज ऑफ, इवन विदाउट यूज ऑफ एनी लुइस एसिड। तो अच्छा, इतना तो हुआ, सो हुआ ही। फिनॉल को जैसे ही हम लोग, गाइज, फिनॉल को हम लोग जैसे ही Br2 वाटर में डालते हैं, कभी मैंने अल्कीन में तुम्हें लिखाया था कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन कौन देता है, उसकी लिस्ट में फिनॉल था, मैंने उस पर टिक लगवाया था, बेंजीन को क्रॉस लगवाया था, हमने देखा था, हम बाद में इसका रीजन देखेंगे। हम जैसे ही Br2H2 में डालते हैं तो द रिएक्शन इज सो फास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन इज सो फास्ट एंड अनकंट्रोलेबल, एंड अनकंट्रोलेबल, ठीक है, दैट इट डजंट स्टॉप टिल ऑल द सब्स्टिट्यूशन पोजिशंस आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाई Br। मतलब Br ही खत्म हो जाए तो बात अलग है, बाकी OH के ऊपर एक Br, दूसरा Br एंड तीसरा Br सीधा हमारे पास में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बाहर आता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बाहर आता है। दिस इज अ वाइट PPT एंड दिस इज यूज टू टेस्ट दीज थिंग्स। ठीक है, एंड द सेम थिंग हैपन्स विद, द सेम थिंग हैपन्स विद एनिलीन एंड दिस NH2 इज NH2, this plus Br2H2O, Br2H2O, अच्छा साथ में क्या बन जाएगा गाइज, सुनो, साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा एक H यहां का हटा, एक H यहां का हटा, एक H यहां का हटा, और हर बार क्या होगा बताओ, एक Br- निकलेगा, तो 3HBr बन जाएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल्दो ये एसिड है, सुनो, ऑल्दो ये एसिड है, बट इसने स्माइल करके बोल दिया क्या कि आई एम नॉट बेस, तो इसको प्रॉब्लम होगी क्या? अच्छा, मतलब यहां पे देखो एक कैच ऐसा लगता है एज इफ है, बिकॉज पहली बार में जो हमारे पास में, ओके, पहली बार में जो हमारे पास सामान बनेगा दैट विल बी लाइक NH2, एक जगह तुमने कहीं पे Br लगा दिया, लेट से, ठीक है, लेट से तुमने यहां पे Br लगाया, तो पहली बार में क्या हुआ भाई, यहां का H हटा और क्या बना बताओ, HBr बना। एंड क्या ये एसिड अब कुछ करेगा? नाउ देयर इज अ गुड थिंग गोइंग ऑन, गुड और बैड डिपेंड्स, हम लोग रिएक्शन करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। ये Br का जो डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट है रिंग के ऊपर, दिस डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट इमीडिएटली, ठीक है, लोअर्स द बेसिसिटी, लोअर्स द बेसिसिटी सो मच, ठीक है, दैट एसिड बेस रिएक्शन डजंट हैपन, एसिड बेस डजंट हैपन। एंड एसिड बेस नहीं होने से क्या हुआ गाइस बताओ, एसिड बेस डजंट हैपन, सो NH3+ जो बन जाना चाहिए था इज नॉट फॉर्म, ये नहीं बनता है, NH3+ इज नॉट फॉर्म। अच्छा, हम लोग क्या कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि प्रीवियस केस में, तुम्हें एक केस में याद है, फिनॉल रिएक्ट कर गया था बट एनिलीन रिएक्ट नहीं कर पाया था, ऑल्दो दोनों एक्टिवेटेड हैं, कौन सा केस था वो, यू कैन रिमेंबर कौन सा केस था वो, यस, नाइट्रेशन। तो एसिड वहां पे था, एसिड ने इस पे जो कुछ नहीं किया, बट यहां एसिड बेस करके उसको बेकार कर दिया, तो यहां भी एसिड बन रहा है तो इसको बेकार करेगा नहीं, ये Br सब्स्टिट्यूशन इसे एक्चुअली रोक लेगा खराब होने से, एंड क्योंकि ये NH3+ नहीं बनता है इसलिए सो रिएक्शन डजंट स्टॉप, रिएक्शन डजंट स्टॉप, ठीक है,
एंड सो इसके बाद में कंटिन्यूस रिएक्शन होते होते वो एकदम नॉन स्टॉप हो जाएगा NH2 पे Br एंड Br एंड Br एंड दिस टू इज YPPT. ठीक है, अलोंग विद 3HBr. जल्दी से लिखो इसे. इसमें दो बातें जो हमें याद रखनी है वो ये है दैट फॉर एनिलीन या लेट स्टार्ट विथ फिनॉल. फॉर फिनॉल इट इज पॉसिबल, फॉर फिनॉल इट इज पॉसिबल टू स्टॉप रिएक्शन, टू स्टॉप रिएक्शन एट मोनो सब्स्टिट्यूशन, एट मोनो सब्स्टिट्यूशन बाय डूइंग व्हाट. ठीक है, बाय यूजिंग Br2 इन CS2 सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल, नाउ कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा भाई है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो CS2 का फिजिकल स्टेट होना गैस चाहिए, बट हायर मोलर मास की वजह से लिक्विड हो जाता है. लेकिन तुम्हारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए भाई? लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्योंकि एज CS2 इज इनफ्लेमेबल एंड साथ साथ में वोलेटाइल, सब कुछ उड़ जाएगा फिर सब बाहर आ जाएगा. तो इससे कम पे अगर तुमने किया तो जो है मोनोब्रोमिनेशन पॉसिबल है. मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज. मैं बोल रहा हूं दैट फिनॉल के ऊपर Br2 CS2 सॉल्वेंट या CH2Cl2 सॉल्वेंट या CCl4 सॉल्वेंट में टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस अगर दिया हुआ है तो इस केस में हमारे पास में क्या बन जाएगा? फिनॉल के ऊपर Br मोनो और Br ऑर्थो के प्रोडक्ट्स निकल के आ जाते हैं. ठीक है, जिसमें क्योंकि प्लस R है इसलिए ओपी डायरेक्टिंग है, ये थोड़ा सा ज्यादा मेजर स्लाइटली. ठीक है, बिकॉज OH इज -I. But even this is not very useful to prevent polysubstitution of aniline. ठीक है, तो अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स. तो एग्जांपल्स में क्या है भाई? फॉर एग्जांपल, टॉलुइन लिया हमने और उस पे Br2Fe लगा दिया. ठीक है, Br2Fe लगा दिया. तो टॉलुइन पे Br2Fe लगा दिया तो एग्जिस्टिंग ग्रुप कैसा है इसके बारे में सोचो, इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये सोचो. ठीक है, इसका नेचर और इसका इलेक्ट्रोफाइल एंड देन यू हैव टू आंसर. ठीक है, अच्छा मैंने इस पे Br2HNu कर दिया. मैकेनिज्म इसका क्या है, मैकेनिज्म इसका क्या है? ठीक है, अच्छा ये सब एग्जांपल्स हम लोग जो है ये अपने क्लास में डिस्कस करेंगे तुम लोगों के रिटर्न असाइनमेंट्स मिलने के बाद में. तो भाई जैसे बेंजीन के ऊपर सपोज ये ग्रुप लगा दिया तो इस पे Br2CCl4 करा तो क्या होगा? ठीक है, और इस पे
Br2Fe किया तो क्या होगा? ठीक है, सब सॉल्व करना, पेंसिल से लिख के अपने लिए स्पेस सब छोड़ के अच्छे से कर लेना। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। अच्छा, पिछले केस में एक ये भी ऐड कर लो, और इसी पे अगर Br2H न्यू कर दिया तो क्या होगा? तो अब मेरे पास में जैसे ये पॉली अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इस पे Br2Fe कर दिया तो, इस पे Br2H न्यू कर दिया तो, और Br2CCl4 कर दिया तो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बेंजीन NH डबल बॉन्ड O एंड बेंजीन पे Cl2Fe, ठीक है, और बेंजीन पे मा ए Br2FeB और Cl2Fe ओके। तो हम लोग इसके बाद में वन ऑफ द लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक जिस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर भी बाकी है थोड़ा, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द फिफ्थ नंबर सल्फोनेशन। दैट मीन्स, अच्छा हम इसमें करने क्या वाले हैं, हम इसमें करने वाले हैं, आई एम सॉरी, हाँ हम लोग इसमें करने वाले हैं कि H प्लस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय व्हाट, H प्लस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय what? तो क्योंकि हम लोग को बेंजीन पे SO3H लगाना है, सल्फोनिक एसिड लगाना है, दैट मीन्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, और इस पे प्लस चार्ज होना चाहिए बिकॉज एक कटायन ही कटायन को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो अब सारा फोकस इस बात पे आ जाता है कि पहले इसे बनाना है हमें, ठीक है। तो भाई देखो अब इसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है, तो कैन यू सी कि ये सामान एक्चुअली बना होगा, देखो ये सामान बना होगा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और यहां पे लीविंग ग्रुप OH2 प्लस हुआ होगा कभी, राइट। अब ये OH2 प्लस एक्चुअली कहां से आया होगा भाई, तो अब इसको हम बैक ट्रेस करें, ठीक है, इफ वी वर्क इट इन रिवर्स ऑर्डर, तो ऐसा लगता है कि भाई यहां पे OH रहा होगा इससे पहले और किसी ने इसको H प्लस खिलाया है। अब वो H प्लस खिलाने वाला सामान क्या होगा? अब सल्फ्यूरिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड जो वाटर खींचता है एक्चुअली कोई है नहीं, पानी खींचना भी है हमें साथ साथ में, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस इज मोर और लेस सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ। तो दिस इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ कॉन्ग H2SO4 इन विच वन इज एसिड एंड अदर इज फोर्स टू बिहेव एज बेस। तो इसका जो H प्लस है गाइज वो क्या है, इसका लोन पेयर इसके H प्लस पे अटैक करता है, ठीक है,
फॉर्मिंग क्या, दिस प्लस क्या, एच एस ओ फोर माइनस, एंड दिस फॉर्म्स द लीविंग ऑफ दिस ओ एच. अच्छा वाई कैन हाउ कैन वी रिमूव दिस एच टू ओ, हम मतलब सल्फर को देख के दया नहीं आ रही, प्लस चार्ज डबल बॉन्डों के ऊपर है. नहीं, डोंट गेट कन्फ्यूज. सल्फर जो है ये एक्चुअली तुम्हें बोल रहा है कि यू कैन सी कि मैं बहुत मार खा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें जो है मुझे देख के दया आ रही होगी, बट लेट मी गिव यू वन ब्रीफ पॉज, एक्चुअली मैं इतनी भी बुरी स्थिति में नहीं हूँ, ठीक है, एक्चुअली आँख मारने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, क्यों, बिकॉज डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ मेरे लिए क्या है, ये एक्चुअली डायरेक्टली मेरे फीट पे है और ये प्लस चार्ज इनके रेजोनेंस पे नहीं है, एंड आई हैव दिस ओ एच का प्लस एम जो कि मुझे सपोर्ट कर सकता है और इसका प्लस एम मुझे एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये स्पीशीज तो बन जाती है. तो द रिएक्शन शुड बी, क्या करें बताओ हम लोग, कैसे कैसे हम इसको लेके आ सकते हैं, तो बेंजीन के ऊपर हम लोग क्या डालें, क्या तो भाई H2SO4 कॉन्क, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और अच्छा तुम कॉन्सेंट्रेशन अब इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन थोड़ी बेटर होगी, ठीक है, एज कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज, ठीक है, रिएक्टिविटी इम्प्रूव, सीधी सी बात है भाई, क्योंकि काम ही ऐसा गंदा है. तो हम लोग H2SO4 फ्यूमिंग H2SO4 लेके आते हैं, दैट इज एक्चुअली ओलियम, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में तुम्हारे पास लिखा रहेगा, देखो ये, और H2S2O7 ये एक्चुअली पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, तो H2SO4 दो H2SO4 से एक हमने पानी निकाल दिया, बेसिकली बॉइलिंग कर रहे हैं हम लोग, और इसी चीज को हम लोग क्या बोले बताओ, SO3 फ्री SO3 इन H2SO4 एग्जांपल ऑफ ओलियम, ठीक है, और कुछ ऐसा जिसपे क्या है कि जिसमें एक्चुअली ओलियम ना हो, H2SO4 से अलग कुछ, तो हम लोग ये ग्रुप लेके आते हैं S डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, और यहाँ पे हम ओ एच ना लगा के और कुछ सोचते हैं, लिविंग ग्रुप क्या, यस Cl, इतनी वैरायटी हम कर ही सकते हैं, Cl SO3H, समझ रहे हैं, ये सब केसेस जो हैं इन सबको देख के हमें, ठीक है, सल्फोनेशन की याद आनी चाहिए, ठीक है, जब भी तुम्हारे पास देखो ऐसा कुछ केस है जैसे Cl, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर, ठीक है, आई कांट थिंक प्रॉपरली, इसको देख के मेरे को तो जो है बहुत ही अजीब लगना शुरू हो जाता है कि ये क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब इज दिस, ये Cl प्लस बनाएगा, क्लोरीनेशन का एजेंट है कि SO3H प्लस बनाएगा, सल्फोनेशन का एजेंट है, ये कैसे पता लगाते हैं. तो भाई इसके दो केसेस हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ दोनों तोड़ के देखो. लेट्स, मैंने ऐसे तोड़ा, Cl प्लस फॉर्म्ड इज एक्चुअली एक्सट्रीमली एंग्री, चलिए ये बात हम जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंड जो तुमने साथ में बनाया है इसके, जो हमने इसके साथ बनाया वो क्या है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू S डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच एंड माइनस. ये माइनस कहीं स्टेबल है क्या भाई, स्टेबल तो बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है, ठीक है, कोई रेजोनेंस तो है नहीं, उल्टा बनाते हैं, Cl माइनस इज एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज इट इज डिफॉल्ट गुड लिविंग ग्रुप, एंड SO3H प्लस जो तुमने बनाया है ओ एच डबल बॉन्ड ओ प्लस, तो ये लोन पेयर की वजह से इसको दे सकता है, तो ऑल्दो इसने मार खाई है जगह जगह से, बट स्टिल फिर भी टूटी फूटी हालत में ये फिर भी ठीक रहेगा, तो दिस इज अ फार बेटर ऑप्शन देन दिस. इसलिए सब्स्टिट्यूशन किसका होगा भाई, हम Cl प्लस बना के इसका ना करवाएं, हम ये बना के इसका करवाएं, आई किसी समझ में आ रहा है. तो खैर, तो लास्ट आंसर इज कि बन क्या जाएगा, बन जाएगा ये सामान जो है, बेंजीन पे से H हटाओ और बेंजीन पे इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवाओ SO3H और इसके साथ में बेंजीन से एक H प्लस बाहर आ जाएगा. इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, इसे प्लीज कॉपी करो. ओके, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ. एंड इसका जो मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, तो वो थोड़ा सा तुम्हें पेनफुल लग सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ उसका रफली आइडिया होना ठीक है, बट ईच एंड एवरी पॉइंट जो हम डिस्कस करें वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मैकेनिज्म में इसमें ये एक दिक्कत है, सबसे पहले ई प्लस फॉर्मेशन, तो इसका ई प्लस फॉर्मेशन जो है उसमें भी
एक प्रॉब्लम है वो ये कि जो मैंने पीछे लिस्ट बनाई है इतने सारे फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स की, इस हर इलेक्ट्रोफाइल में एक्चुअली क्या है कि वे ऑफ रिएक्शन मोर और लेस सेम दिखाई दे रहा है हमें, बट सब में स्पीड और वे ऑफ रिएक्शन थोड़ा अलग अलग होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला केस लेता हूँ कॉन्ग एस ओ फोर का, जो तुमने अभी देखा, तो हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास था एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस दूसरा ओ एच एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दोबारा लिखो इसको एच प्लस एसिड बेस रिएक्शन करके मेरे पास में आ गया ओ एच एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच टू प्लस प्लस एच एस ओ फोर माइनस। अब कुछ केसेस में तो दिस कैन डायरेक्टली रिएक्ट विद बेंजीन। अब वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे तुम लेके बैठे हो उस पर डिपेंड करता है कि ये डायरेक्टली रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें से H2 अलग होगा या नहीं होगा, इसमें से H2 अलग भी हो सकता है, फॉर्मिंग क्या H2O अलग, और मेरे पास में ये बन सकता है S डबल बॉन्ड ओ एंड इस OH का लोन पेयर इन्वॉल्व OH प्लस इन दिस फॉर्म, ठीक है। और ऑफन क्या होता है हमारे पास में, ये भी आगे रिएक्ट कर लेता है गाइस, क्या किस फॉर्म में, ये जो HSO4 माइनस एक्चुअली ये आगे रिएक्ट कर लेता है, जो बीकर में HSO4 माइनस है ये HSO4 माइनस इसका H प्लस ले लेता है फॉर्मिंग फ्री SO3 गैस। ये ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड को परेशान करोगे तो SO3 बन जाएगा, आखिर ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस सिक्स दोनों में वही है ना, उसी का तो गैस है। स्टेप टू में इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग फॉर्म में हो सकता है एग्जिस्ट करे। स्टेप टू में मेरे पास में बेंजीन जब रिएक्शन स्टार्ट करता है तो उसका रिएक्शन हम किस से करवा रहे हैं, हम इसका रिएक्शन H3SO4 प्लस से करवा रहे हैं, ये स्पीशीज OH, OHS डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ OH2 प्लस, ठीक है, इससे करवा रहे हैं, या फिर हम इसकी रिएक्शन H2S2O7 से करवा रहे हैं। H2S2O7 क्या है भाई, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड दैट इज OHS डबल बॉन्ड ओ OS डबल बॉन्ड ओ OH, ठीक है। और या फिर हम इसकी रिएक्शन SO3 से करवा रहे हैं, S डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। अच्छा तुम्हें एक चीज जस्ट मैं इन्फॉर्म करूं कि इन सब में से दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज, मतलब इसके साथ में रिएक्शन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली शुरू हो जाता है। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, तीन तरफ डबल बॉन्ड्स खोलने के लिए जगह और ओपन प्लेनर स्ट्रक्चर, इसको इसको रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल है बेंजीन के लिए, एंड द रिएक्शन इज वेरी फास्ट एक्चुअली, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी होता है, हम आगे देखेंगे इसमें। तो ये इसके अंदर कहां कहां अटैक करेगा, इसमें इस एस पे लीविंग आउट दिस पुशिंग आउट दैट, इसमें इस एस पे पुशिंग आउट दिस ग्रुप विच इज स्टेबल एच एस ए फोर माइनस, एंड इसमें इस एस पे, ठीक है, फॉर्मिंग दिस। इसमें से पहले दोनों स्ट्रक्चर्स तो गाइज क्या है, हम इतना डिटेल में कर रहे हैं गाइज, सुनो आंसर सबसे एक ही आएगा, डोंट वरी आंसर सबसे एक ही आएगा, बस तुम कॉपी कर लो इसको एक बार के लिए। तो पहले दोनों स्ट्रक्चर से जो हमारे पास में बनेगा उससे हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा कि बेंजीन से हमारे पास में बेंजीन से हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ पे H, मान लो मैंने यहाँ से अटैक किया, यहाँ से नहीं किया, छोटी सी बात है, और ऊपर क्या लग जाएगा, S डबल बॉन्ड O और ओ एच, ठीक है, और इधर बगल में क्या हो जाएगा कहीं पे एक जगह प्लस, ऐसा ऐसा, दिस इज द सिचुएशन राइट, ठीक है। तो ये जो सामान मेरे पास बन गया है, दिस प्लस क्या बनेगा, अगर पहला स्पीशीज है गाइस तो प्लस H2O बन जाएगा, और अगर दूसरा स्पीशीज है गाइस तो प्लस HSO4 माइनस बन जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर तुमने इसके साथ रिएक्शन किया तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि H और S पे डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और यहां पे मेरे पास में O माइनस आएगा, द प्लस साइन हियर, दिस एंड दिस। तो दोनों का एंड रिजल्ट क्या है, तो एंड रिजल्ट इज
कि इसके ऊपर सडनली क्या आता है भाई, HSO4 माइनस जो है वो इधर उधर घूम रहा था, उस पर नेगेटिव चार्ज है, एंड बेंजीन बट डेस्परेटली अपना H प्लस लूज करने की कोशिश कर रहा है, एंड ये आके स्मैश करता है। इसमें से मोस्ट एसिडिक एच कौन सा है? विच इज द एच दैट इज मोस्ट एसिडिक इन दिस? यहाँ तो एच ही नहीं है, एक ही बचा ये वाला, और ये एसिडिक क्यों है? बिकॉज इसको रिमूव करने के बाद तुरंत बेंजीन एरोमेटिक बन रहा है, तो इसलिए ये सामान जो है ये इमीडिएटली रिमूव आउट हो जाता है, फॉर्मिंग दिस। क्या बताओ, HSO माइनस ने H प्लस को लिया एंड ये बन गया फॉर्मिंग बेंजीन, एंड सडनली बेंजीन के ऊपर क्या है भाई, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस, ठीक है, प्लस H2SO4 जो बना था, अब ये इससे एसिड बेस करके वापस से सल्फोनिक एसिड बना देता है SO3H। और यही चीज़ जब इसके ऊपर होती है, जब इसके ऊपर होती है HSO4 माइनस, जब यहाँ पर आता है अटैक करने के लिए H प्लस लेने के लिए, तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे दो केसेस हैं। HSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर नॉर्मल है तो ये एक्चुअली जो है वो कौन सा एच प्लस लेता है पहले, ये वाला एच प्लस लेता है, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर HSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है H2SO4 कॉन्सेंट्रेशन, तो ये वाला एच प्लस ले लेता है। बट अल्टीमेटली मैं फ्रेंकली बताऊँ, चाहे तुम जो भी एच प्लस निकालो, ठीक है, ले देके बात वही होने वाली है। तो अल्टीमेटली इसमें भी हमारे पास में क्या है भाई, पहले तुमने अगर ये वाला एच प्लस निकाल लिया तो यही स्पीशीज जो पहले यहाँ बन रही थी वो बन जाएगी यहाँ पे, दैट इज SO3 माइनस और एच और प्लस और इधर इधर, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट SO4 माइनस एक और जो होगा वो फिर ये वाला एच निकालेगा, ये वाला एच निकालेगा फॉर्मिंग बेंजीन और SO3 माइनस, ठीक है, और ये H2SO4 से वापस रिएक्ट करके हमारा सल्फोनिक बेंजीन बना देगा, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर तुम्हारा HSO4 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता तो तुम पहले इसको निकालते तो डायरेक्टली हमारा आंसर यहां पे आ जाता, ठीक है। दिस इज पाथ वन, पाथ टू, ये पाथ वन से निकला हुआ सामान है, ठीक है, दिस इज पाथ वन एंड दिस इज पाथ टू, सीधा यहां से यहां। तो एंड इतना भी बोल देता हूं मैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में ये वाला H क्यों निकाला जा रहा है, उसका रीजन जो है वो कुछ कुछ ले चैटलियस प्रिंसिपल से कनेक्टेड है, ठीक है, बिकॉज चलो खैर जो भी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना सबने नोट किया, ओके, तो इतना सबने कॉपी किया। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं जिसमें एक सल्फोनेशन की एक लास्ट चीज डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि बेंजीन पे सल्फोनेशन का लगना पहला स्टेप, सबसे पहली चीज तो वो रिवर्सिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। रिवर्सिबल है इसका मतलब ये है कि मैं जब भी इस पे एक्वस H2SO4 या H2SO4 कॉन्क या फ्री SO3, ठीक है, H2S2O7, अच्छा भाई इन तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है इससे और ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऊपर वाले से। अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ एक्वस H2SO4, इसमें भी क्या है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50-80% H2SO4 कॉन्सेंट्रेशन रहता है भाई, इसमें इवन मोर देन दैट है। इन सब में जब पहले स्टेप में ये आयन बनता है, ठीक है, H और इस H के ऊपर क्या बताओगे, SO3H का प्लस आयन बनता है, तो ये स्टेप आयोडिनेशन की तरह एक्चुअली रिवर्सिबल है पहले तो, ऑल्दो आयोडिनेशन की तरह स्लो नहीं है, ठीक ठाक स्पीड में रहता है, लेकिन फिर भी रिवर्सिबल है। इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने का रीजन क्या है? अच्छा गाइज, इसका फॉरवर्ड जाने का रीजन तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इज एक्चुअली वेरी गुड, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, जो भी सामान यहाँ बना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको भी लेता हूँ, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल,
ये इस रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है। और बैकवर्ड आने का रीजन एक्चुअली वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि H प्लस को निकलना है, अगर मेरे पास में H प्लस निकलेगा तो वो सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है, और अगर हमारे पास में SO3H निकला, वापस इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा SO3H, ठीक है, तो SO3H निकला अगर मेरे पास में, तो S डबल बॉन्ड O और OH, अगर S ने वापस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिया, S पे प्लस आएगा तो O वापस इसको देगा, तो O पे प्लस आएगा तो ये H से ले लेगा, तो दिस विल फॉर्म एक्चुअली SO3 जो गैस बन के उड़ सकता है। तो दिस लिबरेशन ऑफ SO3 जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन को ड्राइव कर रहा है, लिबरेशन ऑफ SO3, ठीक है। तो दोनों ही बोथ K1, सपोज इसका मैं K1 कर देता हूं, इसका K2 कर देता हूं, बोथ K1 एंड K2 एंड K2 आर फास्ट, मतलब ठीक है, इतने स्लो नहीं जितना नॉर्मली बेंजीन खुलने में टाइम लगाता है, ठीक है। तो दिस एक्चुअली क्रिएट्स, अच्छा एक तो दोनों फास्ट हो गए, इसका मतलब जो इसका अगला स्टेप है माइनस एच प्लस वाला, ठीक है, तो लिटरली क्या है कि भाई एच प्लस निकालने वाले आयन्स थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस गैस का फैक्टर, एक तो गैस का फैक्टर से वापस पीछे चला जा रहा है वो, और एक फर्स्ट स्टेप ये वाला भी फास्ट कर दे रहा है, तो H प्लस निकालने वाला स्टेप थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि भाई ये लास्ट के दो जो स्टेप्स हैं, ये अगर तुमने इन दोनों तरीके से बनाया, ठीक है, तो क्या होगा, तो एक्चुअली फर्स्ट रिएक्शन इतना फास्ट है कि एच प्लस रिमूवल, ठीक है, डी प्रोटोनेशन एक्चुअली बिकम्स द RDS, ठीक है, आरिनियम आयन बिकम्स फास्ट एंड डी प्रोटोनेशन becomes RDS, ठीक है, एंड hence sulfonation which is best carried out using conch H2SO4 and free SO3 is known to show kinetic isotopic effect as second step is RDS in these cases. इसके अलावा बाकी सब स्टेप्स जो हैं वो थोड़े फास्ट हो जाते हैं। एक्चुअली पहले वाले में पता है RDS अभी भी वही है, आरिनियम का ओपन होना, ये वाला स्टेप, बट इन दोनों स्टेप्स में ज़्यादातर हम लोग करवाते हैं सल्फोनेशन, इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा, सेकंड स्टेप इज RDS इन दीज केसेस, ठीक है। तो इसलिए रेट में यहाँ पर भी तुम्हें वही दिखाई देगा, दो चीज़ों में तुम्हें एक्चुअली ध्यान रखना है कि ये दिखाई देता है, एडिनेशन में और सल्फोनेशन में, इसका रेट ज़्यादा इसके रेट से ज़्यादा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस थिंग विल बी यूज्ड इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट वे हो, दैट सल्फोनेटेड ग्रुप कैन बी इजिली रिमूव्ड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डी सल्फोनेशन कैन बी इजिली रिमूव्ड, डी सल्फोनेटेड, ठीक है, बाय अदर इलेक्ट्रोफाइल्स लाइक H प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस एक्सेट्रा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड
इप्सो सब्स्टिट्यूशन, इप्सो सब्स्टिट्यूशन हमें सेकंड पॉइंट का तो यूज अभी बाद में करेंगे, इसको जरा नोट करो जल्दी से। जल्दी नोट करो। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, तो सबसे पहले है हमारे पास में फिनॉल। तो फिनॉल पे सपोज मैंने कॉन्क H2SO4 करवाया, कॉन्क H2SO4 या जो भी H2S2O7, ठीक है, और टेम्परेचर नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, क्या लगता है ऑर्थो के पैरा क्या मेजर? अच्छा गाइज, इसका आंसर जो है बिफोर यू अटेम्प्टेड, ऑर्थो पैरा पे आना है तो मुझे पता है, चलो पर SO3H आना है मुझे पता है, मतलब ओ एच पे SO3H एंड ओ एच के नीचे SO3H। बट इसमें एक्चुअली एक छोटा सा कैच ये है कि यहां पे एच बॉन्डिंग हो रही है, यहां पे एच बॉन्डिंग हो रही है विद द लोन पेयर्स ऑफ ओ एंड एस और ओ और एच और ये वाला डबल बॉन्ड लो, डबल बॉन्ड लो। तो दिस एक्चुअली बिकम्स काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट ऑर्थो बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग, ठीक है। अब तुमने अगर टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 to 125 डिग्री सेल्सियस, या तुमने शुरू से रिएक्शन इसी जो है कंडीशन पे करवाई, बस टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 to 125 डिग्री सेल्सियस रखा, तब एक प्रॉब्लम हो जाएगी। एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, वाइब्रेशंस आर सो हाई दैट एक्चुअली अब एच बॉन्ड का मतलब नहीं बचता, समझ रहे? वाइब्रेशंस आर सो हाई दैट हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर यूजलेस, डोंट एग्जिस्ट एनी मोर, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इतना तेज नाच रहा है कि रोटेट करके ये अपने फ्री रोटेशन पे है और ये भी फ्री रोटेशन पे है। अब ऐसे केस में जब अट्रैक्शन नहीं है तो अब सिर्फ क्या बचा है बताओ? एक चीज जो कभी खत्म नहीं होती वो रिपल्शन है भाई। अब इस केस में क्या हो गया है भाई हमारे लिए, OH के पैरा पे जो SO3H था ये मेजर हो जाएगा, इसमें ये मेजर था और ये माइनर हो जाएगा, इसको जल्दी से नोट करो। और ऑब्वियसली फिनॉल के बाद में दूसरा कंपाउंड जो हमें देखना है दैट इज एनिलीन, एंड एनिलीन के साथ में एनी गेस क्या? कॉन्क H2SO4 क्या 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 करवा दे ES? यस नो, नो ES, क्योंकि ये तो क्लियर कट केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ बेस का रिएक्शन है। एंड इमीडिएटली जो चीज बनती है गाइस इसमें, ठीक है, वो क्या है भाई? वो एसिड बेस है, दैट इज एनिलीनियम NH3+ सल्फेट HSO4-, दिस इज द सिचुएशन। हाँ, अगर तुमने इसे बहुत कस के हीट किया गाइस -H2O, तो ये एक्चुअली बाद में प्रोडक्ट जो है ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या कर लेगा? ये एक्चुअली इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन कर लेगा, इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। इसमें से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लो, व्हेन यू रिमूव दैट, ठीक है, देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, देखो कैसे निकालना है, तो बेंजीन के ऊपर जो हमने एन एच एच और एच लिया है प्लस चार्ज, और ये जो ओ माइनस और एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो ओ एच हो गया है, तो इस ओ माइनस, ठीक है, और एच एच को बाहर निकाल लो, दिस विल लीव अ एन एच ग्रुप विद अ एस डबल बॉन्डो ओ एच,
ठीक है, अब ये सब काम ऊपर क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन जानते हैं, सिंस फिनॉल इज नॉट बेसिक। अगर थोड़ा बहुत फिनॉल है तो क्या है गाइस, थोड़ा बहुत एसिडिक है, बेसिक तो है ही नहीं, सो नो सच इश्यूज। ठीक है, तो दिस इज बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड इज फॉर्म। सल्फोनामाइड इज फॉर्म, ठीक है। ये सल्फोनामाइड खुद पता है आगे, ठीक है, रीअरेंज कर लेगा, यहां तक कॉपी करो। दिस सब नोट कर लिया, दिस सल्फोनामाइड एक्चुअली इफ हीटेड, नाउ दिस इज नॉट वेरी रिलेवेंट, इसका एरोमेटिक से बहुत ज्यादा रिलेशन रहा नहीं है, इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे अगर 7 to 8 hours तक हम लोग हीट करें तो ये आगे पीछे से घूम फिर के इधर उधर जाते जाते फाइनली इस फॉर्म में रीअरेंज करके आ जाता है, ठीक है। एंड दिस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज इसका ये एंड कैसा है गाइज, इसका ये एंड एक्चुअली बेसिक है, एंड इसका ये एंड एक्चुअली कैसा है, ये एंड एक्चुअली एसिडिक है। So this exists in the form of zwitterion. Excuse my writing, please. Zwitterion, highly water soluble form में, किस form में? भाई benzene NH3 plus SO3 minus. Anyways, एग्जाम्पल नेप्थलीन पे कॉन्क H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें तो जो केसी है वही बन जाएगा, और कॉन्क H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस पे। अब एक प्रॉब्लम है, इसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो एटलीस्ट ये तुम बना सकते हो, बना के रखो, दूसरे का रीजन देखते हैं हम लोग, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे इसके ऊपर कॉन्क H2SO4 जब हम डालते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर रेंज में कॉन्क H2SO4, ठीक है, 25 to 80 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और हैं, कॉन्क H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और है, और कॉन्क H2SO4 250 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और है। प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट दो ही बनेंगे, चलो उनका रेशियो जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्म 95% इस केस में और 5% है, वही फॉर्म चेंज होके इस केस में 15% और 85% हो जाएगी, और वही फॉर्म चेंज होके इस केस में 0.1% से भी कम और 99.9% हो जाएगी। वो फॉर्म्स तुम लोग यहां भी देख रहे हो मेजर माइनर में, तो क्या मेजर है और क्या माइनर है, और क्या मेजर है और क्या माइनर है, और क्यों है ये? तो हम लोग अपने सल्फोनेशन का लास्ट 2 slides कर रहे हैं, एंड दैट इज द केस जो हम लोगों ने छोड़ा इप्सो सब्स्टिट्यूशन का, दैट इज डीसल्फोनेशन। इप्सो सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले इप्सो का मतलब क्या है? तो सपोज मेरे पास में बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा है, दिस इज वाई, दिस इज वाई, ठीक है, एंड दिस वाई इज समथिंग अदर देन एच प्लस डी प्लस या टी प्लस।
तो इसके ऊपर जब मैं बाहर से कोई ई प्लस लेके आता हूं तो मेरे पास में तीन केसेस हैं। केस वन, बताओ क्या ई प्लस कहां लग जाए? ये ई प्लस इस वाई के प्रेजेंस में ऑर्थो पे लग जाए और इस वाई के प्रेजेंस में पैरा पे लग जाए, ठीक है, प्लस नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या हो, मेटा। ये केस है जिसको हम लोग काउंट ही नहीं करते, दिस इज नॉट काउंटेड, हम बोलते हैं यही बना है बस मेजर। अच्छा केस टू, केस टू क्या है हमारे पास में, वाई के प्रेजेंस में भाई वो कहां लग जाए, ये हमारे पास में मेटा पे लग जाए ई। तो इस केस में क्या है, ओपी नेग्लिजिबल हो जाएगा, हम इसे काउंट नहीं करते। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बताओ हम? इसके अलावा हम केस थ्री, एक ही केस बचता है, बताओ क्या एक्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं बताए? हम लोग एक केस हो सकते हैं जिसमें वो वाई की जगह जाके अटैक कर दिया उसने एंड ये आरिनियम बना दिया एंड सरप्राइजिंगली ही पुश्ड आउट वाई इटसेल्फ एंड इट फॉर्म्ड ई लिविंग बिहाइंड वाई प्लस। तो यहां पे क्या हो रहा था, ई प्लस रिप्लेसेस एच प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगेन E प्लस रिप्लेसेज एच प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई मेटा पे एंड यहां पे E प्लस रिप्लेसेज वाई प्लस। तो बेसिकली हमारे पास में जो ये वाई है इसमें तुम ऐसे याद कर सकते हो, इसको जैसे हम लोगों ने नाम दिया था ऑर्थो, दिस इज कॉल्ड मेटा, दिस इज कॉल्ड पैरा, वैसे ही इस पोजिशन का भी आज से एक नाम है, दिस इज कॉल्ड इप्सो। तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन नाम क्यों है, बिकॉज हम लोगों ने वाई को हटा के ई लगाया है, जैसे एच को हटा के ई लगाते तो ओपी सब्स्टिट्यूशन होता, यहां से एच को हटा के लगाते तो मेटा सब्स्टिट्यूशन होता, वैसे यहां से वाई को हटाया तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन है। ऐसा कब होगा? Factors responsible for this is, what do you think is the factor? Main factor कब होगा बताओ? ये सबसे पहला important factor actually है ease of formation of क्या? Easily क्या बन जाए बताओ? चुपचाप क्या निकल जाए बताओ? Y plus के बनने की इच्छा हो तो the most common Examples of Y plus. So the most common examples of Y plus are SO3H and COOH. इन दोनों का अपना अपना रीजन है, देखो S double bond O, OH, C double bond O, OH. अगर ये नेगेटिव बेंजीन को देखे खुद प्लस बन के निकले ताकि दूसरा कटायन आ पाए तो इस S पे जो प्लस आएगा वो इमीडिएटली किससे बताओ कॉम्पेंसेट हो जाएगा, O से, ठीक है। और बताओ इससे कौन सी गैस निकलेगी बाहर, SO3। एंड सेम चीज अगर ये नेगेटिव दे के निकले बेंजीन को तो इस O से प्लस आएगा वो तो मतलब उतना कॉम्पेंसेट, और कौन सी गैस निकलेगी भाई इससे, कौन सी गैस निकलेगी, CO2 निकलेगा। तो ये दो चीजें जो है वो इसको एक्चुअली यूनिक बना। अच्छा इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर ऐसे गैस लिबरेट करनी है देन वी हैव वन मोर केस ऑफ बेंजीन पे हम एक गैस लगा देते हैं डायरेक्टली N2 और इस पे N2+। जो लोग स्कूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो जानते हैं ये फेमस डाइजोनियम बेंजीन सॉल्ट वाला केस है। एंड इस केस के अंदर हाँ तो ये एक ऐसा यूनिक केस बन जाएगा जिसमें एक्चुअली ये गैस इनका उल्टा करके निकल रही है। दैट मींस जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जा रहे थे अब इसे प्लस है और N2 बन के निकलना है तो बहुत डेस्परेटली इलेक्ट्रॉन ले के निकल जाता है लीविंग बिहाइंड द फर्स्ट केस ऑफ कार्बोकैटायन दैट शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड आरिनियम कार्बोकैटायन
आरिनियम क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब फिनाइलिक पोजिशन पे कार्बोकैटायन, एंड इट डजंट केयर कि वहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, बस वो छोड़ के निकल जाएगा. एंड यहाँ पे भी इप्सो सब्स्टिट्यूशन होता है, दिस ऑल्सो अंडरगोज इप्सो सब्स्टिट्यूशन, अंडरगोज इप्सो सब्स्टिट्यूशन, बट कौन से पाथवे के थ्रू, बट वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. जैसे बाकी सब में इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा था, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है. तो खैर इतना तो नोट कर लो, बट मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि गैसेस लिबरेशन इज नॉट द ओनली रीजन फॉर इप्सो सब्स्टिट्यूशन. इन सब में होता है अच्छा, बट इप्सो सब्स्टिट्यूशन बीआर में भी देखने को मिलता है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन सीएचएमई2 में भी देखने को मिलता है, ठीक है, सीएमई3 में भी देखने को मिलता है, ये सब निकलती हैं चीजें. एंड सारे कॉलिजन्स रैंडम होते हैं गाइज, एंड रैंडम कॉलिजन्स में थोड़ा बहुत सब सब्स्टिट्यूट होता है. इट्स नॉट अ वेरी फिक्स्ड पाथवे फॉर एनी रिएक्शन, बट स्टिल ये इतने केस पता होने चाहिए. ये फर्स्ट रीजन है कि क्यों ये सब्स्टिट्यूशन हो सकता है. एंड दूसरा रीजन गाइस तुम्हें क्या लगता है, जैसे मैंने बोला अभी कि सारे कॉलिजन्स रैंडम है, दैट मींस यू नीड समथिंग. द सेकंड पॉइंट इज यू नीड समथिंग दैट डायरेक्ट्स, ठीक है, सम डायरेक्टिंग ग्रुप या हेल्पिंग ग्रुप. सेकेंड पॉइंट, हेल्पिंग ग्रुप विच डाइवर्ट्स, क्या बताओ, विच डाइवर्ट्स इनकमिंग ई प्लस टूवर्ड्स, क्या बताओ, टूवर्ड्स इप्सो पोजिशन. ठीक है, helps to increase the yield. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है गाइस कि भाई जो ई प्लस आ रहा है, ये ई प्लस बेंजीन के ऊपर जो एस डबल बॉन्ड ओ और ओ एच है, यहां पे क्यों अट्रैक्ट होगा. अगर मैं इस बेंजीन पे कुछ ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इस इनकमिंग ई प्लस की मिसाइल को यहां पे अटैक करने के लिए फोर्स करे, तो वो ग्रुप क्या हो सकता है गाइस बताओ. पहले तो मुझे क्या चाहिए भाई, पहले मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ताकि यहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाए. और वो कहां पे लगा होना चाहिए गाइस, वो OH अगर मैंने यहां पे लगा दिया तो भाई इसका इप्सो सब्स्टिट्यूशन का चांस, ठीक है, बजाय इसके, ठीक है, बेंजीन पे SO3H लगा है और यहां पे OH लगा है, तो इसमें चांसेस ऑफ द रेट ऑफ इप्सो सब्स्टिट्यूशन किसका रेट ज्यादा होगा भाई. तो क्योंकि ये OH बाय डिफॉल्ट अपने ऑर्थो और पैरा पे चीजों को क्या करता है भाई, डायरेक्ट करता है, ठीक है, एंड SO3H के निकलने की टेंडेंसी H प्लस से ज्यादा है, तो इस पे जो अटैक होगा उसमें बहुत इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. और इस पे जहां पे क्या होगा, नॉर्मल H प्लस हटेंगे, इसके ऑर्थो और पैरा के नॉर्मल H प्लस हटेंगे, सिंपल ES होगा वहां पे, इसमें SO3H हट सकता है, ठीक है. अब ये इनकमिंग ई प्लस जो है, दिस कैन हैव ह्यूज वैरायटी, ठीक है. तो थर्ड पॉइंट क्या है भाई, थर्ड पॉइंट नहीं है, तो बस एक जस्ट फैक्ट है. इनकमिंग ई प्लस कैन बी, क्या क्या हो सकता है भाई, दिस कैन बी बीआर प्लस, NO2 प्लस, एंड इवन एच प्लस, यहां तक कि एच प्लस भी हो सकता है, ठीक है, एच प्लस भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज तुमने ये लिया, सपोज तुमने बेंजीन पे SO3H लिया एंड तुमने इसको H प्लस Cl माइनस डेल्टा 150 डिग्री सेल्सियस से करवा दिया. अब बताओ ये H प्लस है, Cl माइनस है, पर तो अटैक कौन करेगा बताओ, बेंजीन किस पे अटैक करेगा, H प्लस पे ऑब्वियसली, वो तो करेगा नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली बेंजीन तो खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच समान है, पहले तो H प्लस पे अटैक ये सब तरफ से स्ट्राइक करना शुरू करता है, इधर पे, इधर
स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा, इधर घुसेगा और यहाँ घुसेगा, और जैसे ही यहाँ घुसेगा ये सारे के सारे जो कॉलिजन्स होंगे गाइज, इसमें क्या है कि इन सब जगह एग्जिस्टिंग एच प्लस लगे हुए हैं, तो क्या होगा कि एच प्लस घुसेगा और वहां से एच प्लस को ही बाहर निकालेगा, तो तुम्हारे लिए वो नो विजिबल चेंज होगा, बट जो भी एच प्लस यहाँ घुसा धीरे धीरे ये बीच में क्या बनाएंगे बताओ, धीरे धीरे जितने भी घुसेंगे, कम घुसेंगे बट जितने भी घुसेंगे तो एसओ थ्री एच बनाएंगे प्लस चार्ज यहाँ पे इस फॉर्म में, एंड अब की बार इसमें से निकलेगा ज्यादा स्पीड से क्या बताओ, एसओ थ्री एच, बिकॉज हम लोग एच प्लस इतने एक्सेस सप्लाई में लेके बैठे हैं, ठीक है, कि वो लगातार रिएक्शन को ड्राइव करता जा रहा है दूसरे इक्विलियम की तरफ, तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या बनेगा बताओ, बेंजीन, ये हमारा प्रोडक्ट है, आंसर है, प्लस क्या निकल जाएगा अपने इसमें से, SO3H जो बना है वो एक्चुअली SO3 बन के उड़ जाएगा हीट करने पे, ठीक है, एंड H2 एक्सेट्रा भी बनना है निकल जाएगा। अब इसी चीज को देखो, अगर मैं DCL से करूं, इसको अगर DCL से करूं तो भाई DCL में भी क्या होगा भाई, धीरे धीरे मेरे पास में तो जैसे मैं इसमें DCL से कर दूं और DCL से अगर इसे डेल्टा 150 सेल्सियस किया जाए तो तुम्हें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि SO3H हट जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा और रिमेनिंग हाइड्रोजन्स अगर DCL से कंटिन्यू करते जाओ तो रिमेनिंग H प्लस विल ऑल्सो बी रिप्लेस्ड, विल ऑल्सो स्लोली बी रिप्लेस्ड विद डी प्लस, रिप्लेस्ड विद डी प्लस। क्या बाकी जगह H रहे ना रहे, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट SO3H की जगह H प्लस नहीं आ सकता है, वहां तो D ही आएगा, क्योंकि जो बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आया है रिप्लेस करने के लिए वो डी है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको हम लोग H2O स्टीम के साथ में डेल्टा कर दें तो ये फिर H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, और किसको अप्रोच करना है, बेंजीन को भाई, H प्लस को, इसलिए आंसर इसका भी क्या आएगा भाई, बेंजीन। एंड वन लास्ट थिंग जो इसके अंदर काम आती है, दैट इज एक्चुअली द मीडियम यूज, तो द मीडियम यूज्ड फॉर इप्सो वैसे अगेन मैं एक चीज बताऊं तो ये पॉइंट ऑफन निगलेक्टेड रहता है, बट द मीडियम यूज फॉर इप्सो आइडियली, ठीक है, शुड बी न्यूट्रल टू स्लाइटली बेसिक, थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए, ऑल्दो इन वेरी रिगरस कंडीशंस, ठीक है, रिएक्शन विल टेक प्लेस एनीवेज, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा उसका क्यों न्यूट्रल से स्लाइटली बेसिक क्यों चाहिए, वो इसलिए चाहिए भाई कि जैसे बेंजीन के ऊपर OH है और यहाँ पे COH है, अब मैंने क्या है कि भाई इसके ऊपर Br2H2O स्लाइटली बेसिक मीडियम कर दिया, तो ये स्लाइटली बेसिक मीडियम सबसे पहले रिएक्ट करता है किससे, ये रिएक्ट करता है COH के H से, फॉर्मिंग यहाँ पे OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये माइनस बना हुआ थोड़ा ज्यादा अच्छा हेल्प करता है इन डूइंग दिस जो कि हम चाहते हैं, और एक बार जब ये OH है, फिनॉल है, तो इस पे यहां पे Br डायरेक्ट होगा, यहां पे भी होगा और यहां पे भी होगा, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा गाइज,
फाइनली जो हमारा आंसर आएगा भाई वो क्या आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा कि भाई पाई बॉन्ड इधर है ठीक है, एंड प्लस चार्ज इधर बन गया है, तो एक बार अगर यहाँ पे तुमने सीओ टू को हटा दिया, ओ एच के इधर बी आर आ गया और सीओ टू निकल गया, उसके बाद में आंसर है रुकना मत, लास्ट आंसर हमारा वही आएगा, आखिरकार सब कुछ रिप्लेस करके हमें क्या लेके आना है, ओ एच और क्या बी आर और बी आर ठीक है, तो व्हाइट पीपीटी बन जाएगा वो ब्रोमीन वाटर में, स्लाइटली बेसिक और न्यूट्रल रहा तो, और न्यूट्रल रहा तो ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोगों ने थोड़ा सा क्या कर दिया, मतलब बी आर टू ए सी ओ एच सी एच थ्री सी ओ एच एसिडिक मीडियम रखा, तो इसकी यील्ड जो है वो आनी मुश्किल हो जाती है, एंड व्हाट वी गेट इज हम ओ एच के बगल में जो सी ओ एच है वो इंटैक्ट रह जाता है, एंड हम दो जगह सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं बी आर बी आर ठीक है। लेकिन जो मैंने बोला रिग्रेस कंडीशंस अगर हैं, अब हेलोजिनेशन में तो रिग्रेस कंडीशन हमें चाहिए नहीं चाहिए, बट अगर हमारे पास रिग्रेस कंडीशंस हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में ओ एच पे एस ओ थ्री एच है एंड फ्यूमिंग एच एन ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर है, तो भाई ये किसका रिएजेंट है, एन ओ टू प्लस का, एंड इसलिए हमारे पास में सीधा क्या बनेगा भाई, जो तुम नॉर्मली बनाते थे फिनॉल बिना एसिड बेस किए सीधा पिक्रिक एसिड बनाता है, तो एनओ टू और एनओ टू सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, तो ये थोड़ा सा इप्सो का एप्लीकेशन है, एंड तो दिस 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 हैज बीन कंक्लूडेड। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक में ठीक है, बट इतना सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, सब्स्टिट्यूशन के टाइप सारे कंप्लीट हो गए ठीक है, चलो थैंक यू।